जो बता रहे हैं कि 10 दिन हो गए थे इनकी ब्रेस्ट के नीचे बहुत ही ज्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण जो सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे। तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स आया कि किसी की ब्रेस्ट के नीचे दर्द है। कि लोगों को यहाँ पे जो ब्रेस्ट जस्ट के नीचे यहाँ पे पेट के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे प्रॉब्लम है, और लोगों को खुदा ने आज फ्री किया। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम अमनदीप है और जे मोदल कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 10 दिन हो गए थे इनकी ब्रेस्ट के नीचे बहुत ही ज़्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण जे सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे। जे बता रहे हैं कि जे रोज मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर इन्होंने 3 इंजेक्शन भी लगवाए, फिर भी इनकी दर्द रुकी नहीं। जे बहुत परेशान हो चुके थे। जे बता रहे हैं कि इनसे खाना भी नहीं खा सकते थे, इतनी दर्द रहती थी। और जे बता रहे हैं कि इनकी फैमिली भी इनके लिए प्रार्थना कर रही थी, विश्वास में थी इनके लिए, पर जे बता रहे फिर भी इनकी प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। जे बहुत ही 10 दिन से परेशान थे, इतनी दर्द थी ब्रेस्ट के नीचे बहुत ही ज़्यादा। जे बता रहे कि इतनी मेडिसिन भी खा ली, 3 इंजेक्शन भी लगवा ले पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर जे बता रहे कि जैसे पिछले संडे की मीटिंग थी तो जे सिस्टर घर से प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से, इन्होंने बोला कि परमेश्वर जी जो मेरी फैमिली भी मेरे लिए प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, पर फिर भी मेरी प्रॉब्लम अच्छी नहीं हो रही। और इन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर जी आज जो अपने दास के द्वारा अगर आप चाहते मेरे लिए लैंड हो, या मेरे लिए जो वचन अपने दास के द्वारा जब मास प्रेयर हो तो जो वचन परमेश्वर आप मेरे लिए बोलेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे भी परमेश्वर आप आज मुझे अच्छा करना चाहते हो तो मेरी चाहत है कि आज मैं अच्छी होकर जाऊँगी। जैसे इन्होंने घर से प्रार्थना की, चाहत की, तो जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे दुखियों बीमारों के लिए, तो परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि किसी के ब्रेस्ट के नीचे दर्द है। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। चुका कई लोगों को यहाँ पे जो ब्रेस्ट जस्ट के नीचे यहाँ पे पेट के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे प्रॉब्लम है, और लोगों को खुदा ने आज फ्री किया है। जल्दी से जो काम खुदा ने आज जो कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा जो प्रोफेटिक वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, तो इन्होंने दिल से धन्यवाद किया कि आज परमेश्वर जो वचन आपने अपने दास के द्वारा मुझे दिया है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अच्छा कर चुके हो। और जो बता रहे हैं कि 2 ही दिन में परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया, जो कि 10 दिन हो गए थे जो बहुत परेशान थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, खाना खाने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी, मेडिसिन भी खा ली, इंजेक्शन भी लगवा ले पर कोई फर्क नहीं थी। पर जैसे इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने 2 ही दिन से इनको अच्छा कर दिया, और आज ये बिल्कुल फ्री। हम अपने हाथों को उठाएंगे, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, क्योंकि सच में जो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज फ्री किया है, और जो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य कलीसिया। तो सिस्टर जी आप बताइए कि आप कितना परेशान थे इस प्रॉब्लम से। काफी ज्यादा परेशान सी, इतना कि मैं दर्द ना रोन भी रही सी। फिर भी मेरी फैमिली ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं विश्वास भी कर दी, मेरी फैमिली भी कर नहीं पर नहीं सी। फिर मैं खुदा दे अगे प्रार्थना की, परमेश्वर तुसी जान दे हो खुदा दे दास दे द्वारा जां ले आण दे द्वारा मैनूं चंगा करना चाहुंदे हो, जां मतलब उहनां दे मुख चों बोल के खुदा दे दास दे द्वारा जिस तरह ही मुख चों उहनां दे वर्ड आया मैनूं रिसीव कीता, मैं दोवां दिनां बाद पिछों ठीक हो गई। तो आपने कितनी मेडिसिन खाई? मेडिसिन खाई, 3 इंजेक्शन भी लगवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी आप बिल्कुल अच्छे हो, खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर का काम
तो हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया अपने हाथों को उठाते जी, जिस परमेश्वर इनको जो 10 दिन की दर्द थी इनके पेट ब्रेस्ट के नीचे, तो जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड दिया, उन्होंने रिसीव किया, तो 2 ही दिन में परमेश्वर की सामर्थ ने इनको श्योर अच्छा किया और आज ये पूरी तरह से 1 हफ्ता हो गया कि बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम करते, खाना खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते तारीफ करेंगे कलीसिया, जो